अब बढ़ते हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन की तरफ। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर जो कि मेरे द्वारा बनाया गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेके आए हैं की नोट्स फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि मेरे द्वारा खुद प्रिपेयर किया गया था। ये जब मैं जेआरएफ की तैयारी किया करता था, तो उस समय जनरल एग्रीकल्चर भी पढ़ा करता था, तो उस समय मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया था। तो जैसे कि मेरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 800 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 या 5 सेगमेंट में हम बनाएंगे इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके सामने दिख रहा है, पॉइंट्स रिलेटेड टू सोयल साइंस, तो ये कुछ सोयल साइंस से रिलेटेड हमारा पॉइंट्स है जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं, वेदरिंग इंडेक्स इज गिवन बाई, तो वेदरिंग इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट थे जैक्सन, 1964 में इन्होंने वेदरिंग इंडेक्स दिया था। दूसरी यूनिट आप दूसरे नंबर पर देखेंगे, सोयल फार्मिंग फैक्टर किसने दिया था? जीनी ने दिया था। और तीसरे नंबर, सोयल फार्मिंग फैक्टर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैक्सिक फैक्टर में किसने किया था? तो जोफे ने किया था। और जेनेटिक सिस्टम ऑफ सोयल क्लासिफिकेशन गिवन बाई, तो डाकुचेव, जो कि फादर ऑफ सोयल साइंस भी बोलते हैं डाकुचेव को। और यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन गिवन बाई ब्रिमर एंड स्मिथ, जो यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन है उन्होंने दिया था। विंड इरोजन इक्वेशन गिवन बाई, विंड इरोजन चिपल एंड बेद आउट ड्राफ्ट ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम इज गिवन बाई बैलिस एंड बैलिस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टर्म रूट इंटरसेप्शन वाज गिवन बाई, तो स्टेनले एंड बार्बर। सॉइल टेक्सचर ट्राइंगल, सॉइल टेक्सचर ट्राइंगल इज गिवन बाई, तो व्हिटनी, आपने देखा होगा बुकों में सॉइल टेक्सचर ट्राइंगल बनाए रखता है। सॉइल कलर चार्ट इज गिवन बाई, तो मुंसल, मुंसल सॉइल कलर चार्ट ने दिया था, सॉइल कलर चार्ट को मुंसल ने। तो क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेबल अप्रोच इज गिवन बाई, तो कैट एंड नेल्सन ने दिया था क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉइल केटेना कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई, तो मिलानी। प्लांट अवेलेबल वाटर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई, तो ब्रिमियर एंड हेंड्रिक्स, इन्होंने एक नियम दिया था प्लांट अवेलेबल वाटर की, कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई, तो ब्रिमियर एंड हेंड्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन मैथड फॉर बोरान टेस्टिंग, तो बोरान टेस्ट के लिए हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन मैथड किसने दिया था? तो बर्गर एंड टायरुग ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टर्म ह्यूमस इज गिवन बाई, ह्यूमस टर्म किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। एंड टर्म ह्यूमिन इज गिवन बाई, तो मुल्डर ने दिया था। ह्यूमिक एसिड इज गिवन बाई बर्जीलियस, ह्यूमिक एसिड और टर्म ह्यूमस दोनों बर्जीलियस ने दिया था। चलते हैं आगे, सॉइल प्लांट एनालाइजरी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई SPAC, तो हेलिल। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज गिवन बाई, तो क्लिंगिबियल एंड मॉन्टगोमरी ने दिया था। टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाई, तो एजी टेंसले ने, इकोसिस्टम टर्म एजी टेंसले। टर्म सिम्बायोसिस इज गिवन बाई, तो डी बेरी ने। इंटीग्रेटेड सॉइल टेस्ट अप्रोच इज गिवन बाई कॉलबेल, इंटीग्रेटेड सॉइल टेस्ट अप्रोच इज गिवन बाई कॉलबेल। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, सॉइल मॉइस्चर लिमिट इज गिवन बाई, तो अल्टरबर्ग। सॉइल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, तो ब्लैकमैन एंड ब्रेवर्ड ने। सॉइल एज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी किसने कहा था? तो कलोग ने कहा था। साल्ट इंडेक्स, साल्ट इंडेक्स पुरी ने दिया था। ए वैल्यू इज गिवन बाई, तो डीन एंड फ्रेंड्स ने। और यल वैल्यू इज गिवन बाई लार्सन ने, तो ये आगे डिटेल अभी कभी हम बताएंगे आपको ए वैल्यू का मतलब क्या होता है और यल वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट इंडेक्स तो पोर्कर ने दिया था। बायोगैस, बायोगैस किसने दिया था? तो देसाई एंड विश्वास ने दिया था। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट इंडेक्स तो एक बहुआ करके थे, तो उन्होंने दिया था। इसको याद रखिए कि न्यूट्रिएंट सप्लाई घरों में बहु लोग करती हैं, तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट इंडेक्स बहुआ ने दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, लाजर एंड मैनुअर मॉइस्चर कंटेंट अपने वेट के हिसाब से किस में होता है? तो यूरिया में 1% होता है, DAP में 1.5% होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 1% होता है, अमोनियम नाइट्रेट में भी 1% होता है, SSP सिंगल सुपरफास्फेट में, जो कि इसमें 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे सल्फर आपका 12% और फास्फोरस 16% और कैल्शियम 21%। सल्फर 12, फास्फोरस 16 और कैल्शियम 21%, तो 3 चीज़ पाए जाते हैं। तो इसमें जो मॉइस्चर बाई वेट पाया जाता है 12%, अमोनियम सल्फेट
1%, बर्मी कंपोस्ट में 15-25% मॉइस्चर पाई जाती है और बायो फर्टिलाइजर में 30-40%। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इन यूरिया या मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इन डीएपी, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा आपके सामने दिख रहा है। चलते हैं, अब बढ़ते हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन की तरफ। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर जो कि मेरे द्वारा बनाया गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एग्रीकल्चर। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट होवार्ड, जो कि बहुत बार इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज बहुत बढ़ रहा है, बढ़ते हुए पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और बहुत ज़्यादा आपका केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्म का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं, तो इसलिए देख लीजिए। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट होवार्ड, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग मासानेबू फुकोका। टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग किसने दिया था, यहाँ पे हमको नहीं लिखे हैं, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म इज गिवन बाय लॉर्ड नॉर्थ बर्न। किसने दिया था, लॉर्ड नॉर्थ बर्न ये टर्म दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, फादर है अल्बर्ट होवार्ड। अच्छा चलिए, खुद फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग तो मासानेबू फुकोका, एक फुकोका करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था, तो उन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। चलिए और नीचे चलते हैं, फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग तो रुडोल्फ स्टीनर। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो रहे हैं, चलिए नीचे पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज तो पीटर डी क्रिसेंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एग्रोनॉमी के फादर कौन है, पीटर डी क्रिसेंजी। और डॉक्टर बिबंत राज द फाउंडर ऑफ, जो एक डॉक्टर बिबंत राजिस थे वो रिले क्रॉपिंग के फाउंडर थे। रिले क्रॉपिंग मतलब आपने पढ़ा होगा कि एक क्रॉप सोइंग करें, उसको हार्वेस्ट से पहले दूसरी क्रॉप सोइंग कर दें, तो रिले क्रॉपिंग कहलाता है। द डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट मोदीपुरम मेरठ, जो कि इसका नाम अब चेंज हो गया है, अब क्या हो गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, IIFSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। तो अगले क्वेश्चन के लिए अब चलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग वाज फर्स्टली डन बाई तो ला फ्लिटेज ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लो मॉइस्चर इन सैचुरेटेड सॉइल, तो लॉ ऑफ फ्लो मॉइस्चर इन सैचुरेटेड सॉइल में किसने बताया था, डॉर्सी एंड पास्चुल्स लॉ ने बताया था। एक किसने, एक इन्होंने स्टेनली पाइप लिया था, उसमें मिट्टी को डाला था, उसके बाद ऊपर से मॉइस्चर डाले थे, तो ये इन्होंने सिद्ध किए थे कि जो मॉइस्चर का फ्लो होता सॉइल में किस तरह से होता है, तो उन्होंने डॉर्सी एंड पास्चुल्स लॉ ने। तो आगे चलते हैं, रिले क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, रिले क्रॉपिंग जो कॉन्सेप्ट था कहाँ से आया था, तो एक रिले रेस होती है तो उससे लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ, क्रॉपिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम दोनों में माइन्यूट डिफरेंस होता है, चलिए मैं आपको अगले कभी लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन द सब क्रॉप आर सोन टू सप्लीमेंट ऑफ यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप, यानी सब क्रॉप हम जब सोइंग करें कि उसको मेन क्रॉप की यील्ड में बढ़ावा दे, द सब क्रॉप्स आर नॉन एज, तो जो सब क्रॉप होता है उसको क्या कहेंगे, अगमेंटिंग क्रॉप कहेंगे। चलिए अगमेंटिंग क्रॉप का डिफिनेशन था ये, आगे बढ़ते हैं, द मेन क्रॉप इज ग्रोन इन द सेंटर, ठीक मेन क्रॉप को हम सेंटर में ग्रो कर रहे हैं, सराउंडिंग बाई हार्डली और थ्रोनी क्रॉप, उसके चारों तरफ हार्डली और कांटे वाले क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, द सब क्रॉप इन नॉन एज, तो जो उसके तरफ उसके मेन क्रॉप तो हमने सेंटर में बो दिया, उसके चारों तरफ हार्डी और कांटे नेचर के जो क्रॉप बोते हैं उसको क्या कहलाता है, तो गार्ड क्रॉप कहलाता है, यानी रक्षक फसलें कहलाती है। ठीक, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत एग्जाम्पल कि आपका गन्ने के चारों तरफ पटसन लगा देते हैं, तो पटसन क्या करता है, गार्ड क्रॉप का काम करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप ग्रोन टूगेदर आर फाउंड टू बी हायर देन द यील्ड ऑफ देयर प्योर क्रॉप्स इन यूनिट एरिया, सच क्रॉपिंग इन नोन एज सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। इसके कहने का मतलब है, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स ग्रोन टूगेदर आर फाउंड इन हायर देन द यील्ड ऑफ देयर
प्योर क्रॉप्स, यानी एक दो क्रॉप कोई है उसको हम सिंगल सिंगल यानी कि एक फील्ड में उगाते हैं तो उसकी जो यील्ड है, और दोनों को इंटर क्रॉप मिक्स करके उगाते हैं तो उस यील्ड से दोनों का यील्ड ज़्यादा आ रहा है और हम एक ही फील्ड पे उगा रहे हैं तो उसको क्या कहलाती है वो दोनों क्रॉप, सिनर्जिस्टिक क्रॉप कहलाती हैं, एक दूसरे के पूरक क्रॉप कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या है इसके डिफिनेशन आपको बताना है। तो दोज क्रॉप विच मे बी सोल्ड डायरेक्टली फ्राम द फील्ड विदाउट प्रोसेसिंग लाइक वेजिटेबल पोटैटो इटीसी, जो क्रॉप हम फील्ड से ही सीधे मार्केट में बेच देते हैं बिना प्रोसेसिंग किए हुए, जैसे हम वेजिटेबल होता है, अब वेजिटेबल में हम फील्ड से सीधे लाते हैं घर और सीधे मार्केट में बेच देते हैं, उसे कैश क्रॉप कहते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल क्रॉप होते हैं, टोबैको भी कहीं कहीं पे कैश क्रॉप के रूप में उगाई जाती है। तो फार्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता निकालने की क्या फार्मूला है, तो टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन टोटल सोन एरिया इंटू 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक, दो या दो से अधिक क्रॉप को एक ही साल में एक ही समय में उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, बहुउद्देशीय खेती जिसको बोलते हैं। चलिए, बहुउद्देशीय नहीं, बहु फसली खेती। द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग ग्रासेस आर पॉस्चर इज आल्सो नोन एज ले फार्मिंग, यानी ग्रास को उगाना और पास्चर को उगाना, राइजिंग करना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 का कोई मतलब नहीं है, ये गलत से टाइप हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा इन इंडिया द मैक्सिमम एकरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इन यूपी, तो यूपी में होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ व्हीट इज, तो जो गेहूं का फल होता है या फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं, तो कैरियोप्सिस कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ व्हीट, तो ये पूछ रहा है कि गेहूं के जमाव के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोरिन 10 जीन वाज ब्रॉट बाय यूएसए, तो एस सी सलमान ने लाया था। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं। नोरिन 10 जीन रेवोल्यूशन जो आपकी आई थी 66 और 67 में आया था। ठीक है, तो भीट और राइस पे ज़्यादा जोर दिया गया था। द ड्वार्फ विंटर वैरायटी ऑफ भीट फर्स्ट टाइम डेवलप्ड थ्रू यूजिंग नोरिन 10 जीन बाय, तो ओए बोगेल करके थे एक यूएसए के, उन्होंने दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चले। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी वर रिलीज्ड इन, तो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी कब रिलीज किया गया था, 1970 में। आगे बढ़ते हैं। भीच इज डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ भीट, तो डबल जीन कभी कभी पूछ लेता है ये भीट की कौन सी वैरायटी जो डबल जीन है, तो HD या ऐसे कह सकते हो HD 2204। ठीक, HD 2204 जनक UP 215 प्रताप कल्याण सोना अर्जुन सोनारा 64। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय बाहर से जो वैरायटी आई थी उसमें सोनारा 63, सोनारा 64, लार्मा रोजो 64A, ये सब वैरायटियाँ आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के समय। कौन कौन सी, सोनारा 63, सोनारा 64, लार्मा रोजो 64A। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी आर, तो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी सोनालिका गिरिजा UP 262 WI 711 लार्मा रोजो 64A जो यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक, तो ये दो तीन वैरायटियाँ याद कर लेना, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी होती है, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी होती है। तो जैसे डबल जीन तो HD 2204 जनक UP 215 सोनालिका गिरजा, ये सब सिंगल जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोटीन फाउंड इन भीट फ्लोर, जो भीट के आटे में फ्लोर पाया जाता है, भी चीज़ हेल्पफुल फॉर चपाती मेकिंग, कि जो आटे में गेहूं के आटे में जो प्रोटीन पाई जाती है जो रोटी बनाने में हेल्पफुलिंग होती है, फूलने में रोटी जो फूलती है तो ग्लूटीन होता है जिसके कारण रोटी फूलती है, ग्लूटीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जिग जैग एक्सिस ऑफ भीट इज कॉल्ड रैचिस, आपने गेहूँ की जो बाली देखी होगी वहाँ से सीड जब हटाएंगे बाली से तो जो जिस पे सीड अरेंज होता है वो
एक लाइन में नहीं होता, वो जिग जैग मोशन में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैचिस बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वाज डेवलप्ड बाय, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन फॉरेन, विदेश के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, और इंडियन के इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक, तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, विदेशों में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। द टॉक्सिक एल्कोलाइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सोरघम क्रॉप, जो सोरघम होता है उसके क्रॉप में कौन सी टॉक्सिक्स एल्कोलाइड पाई जाती है, तो धूरिन, जिसको SCN बोलते हैं, हाइड्रोसोनिक एसिड। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, हम सिंचाई करने के बाद जानवरों को खिलाना चाहिए हमें, क्योंकि जब इसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो पत्तियां मुरझाने लगती, उसमें टॉक्सिक एसिड पत्तियों में पाई जाती है जो जानवर को नुकसान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, CSH1 वाज रिलीज्ड एज फर्स्ट ड्वार्फ सोरघम हाइब्रिड इन, तो फर्स्ट ड्वार्फ सोरघम वैरायटी कौन सी थी, तो CSH1 थी, कब, 1964 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भिज क्रॉप इज नोन एज कैमल क्रॉप, किस फसल को ऊंट क्रॉप बोलते हैं, तो सोरघम, क्यों, क्योंकि सोरघम भी जो ड्राई रीजन में रेसिस्टेंट होता है, और ऊंट भी ड्राई एरिया में काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं बिना पानी पिए हुए, तो इसलिए ऊंट का संज्ञा दिया गया है, किसको, सोरघम को। नेटिव ऑफ ज्वार इज, तो जो नेटिव यानी ओरिजिन प्लेस को नेटिव भी बोलते हैं, तो ज्वार का ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो अफ्रीका, और ऑप्शन में आपके आए इथोपिया आए सूडान आए, तब भी लगा सकते हो, अगर अफ्रीका ना देके इन्होंने इथोपिया सूडान दे दिए तब भी आपका सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ ज्वार इज इन, तो सबसे ज़्यादा ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया और उत्पादन ज्वार के कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ज्वार इज पुअर इन लाइसिन बट रिच इन ल्यूसिन, तो ये दोस्तों ज्वार होता है जो वो पुअर होता है लाइसिन में, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है, ल्यूसिन, ये अमीनो एसिड होते हैं ल्यूसिन लाइसिन, तो इसके बारे में बताएंगे आगे कभी, तो इतना जानिए अमीनो एसिड। आगे बढ़ते हैं, द इनफ्लोरेसेंस ऑफ ज्वार इज कॉल्ड, ज्वार के इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो पेनिकल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा इज HB1 1965 डेवलप्ड बाई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ठीक, तो बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी HB1 थी, और सोरघम की फर्स्ट वैरायटी जो थी CSH1 थी। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यह है, प्रोटीन कंटेंट इन बाजरा इज, तो बाजरा में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 11 से 12%। ओरिजिन ऑफ बाजरा इज अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका, बाजरा का भी ओरिजिन अफ्रीका है और ज्वार का भी ओरिजिन अफ्रीका है, तो चलिए ठीक है। बाजरा इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एंड एसिडिक सोयल, तो बाजरा क्या होता है, वो जहाँ पे जल भराव हो जाएगा और अम्लीय सोयल होगी उसके पर सेंसिटिव होता है, यानी फसल मुरझाने का डर रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, यानी कॉटन का जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, गुजरात में, तो टी यहाँ लिखना भूल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैड ओपनिंग ऑफ बॉल्स इज नॉन एज, तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं, जो कॉटन का फ्लावर होता है उसको बॉल बोलते हैं, तो अच्छी तरह से ओपन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, टी रैक बोलते हैं। ठीक, इन कॉटन द मैच्योरिटी ऑफ फाइबर इज जज्ड बाई, तो जो कॉटन होता है उससे जो फाइबर निकलता है हम उसकी मैच्योरिटी किसके द्वारा जज करते हैं, तो एक एरिलियोमीटर होता है जिसके द्वारा हम कॉटन की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को जज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, H777 यानी 777 इज द कल्टीवार ऑफ कॉटन, H777 किसकी कल्टीवार है, तो कॉटन की। आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिड 4 इज द फर्स्ट कॉमर्शियल कॉटन, हाइब्रिड 4 जो H4 यानी हाइब्रिड 4 कह सकते हो, फर्स्ट कॉमर्शियल कॉटन ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड बाई, तो CT पटेल इन 1970, यानी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हाइब्रिड कॉटन इज गिवन बाई, तो CT पटेल, ठीक, CT पटेल हाइब्रिड कॉटन। द लीव्स ऑफ कॉटन बिकम्स रेडिश इन कलर ड्यू टू डिक्रीजेज न्यूट्रिएंट अपटेक एंड मॉइस्चर,
तो कॉटन का अगर लीफ का कलर रेडिश कलर का हो जाए तो किसकी कमी से? डिक्रीज न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट की कमी है और मॉइस्चर की कमी है। ओरिजिन ऑफ कॉटन इज फ्रॉम, तो कॉटन जो है उसका कहाँ से उत्पत्ति स्थान है? इंडिया। ठीक है, कॉटन बिलोंग टू फैमिली, किस फैमिली यानी किस कुल से बिलोंग करती है कॉटन? तो मालवेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ कॉटन इज, तो हाइब्रिड 6 और सविता सूर्या। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ कॉटन इज, तो वारालक्ष्मी। तो ये दोस्तों याद रखना, इंटर स्पेसिफिक जो है वो वारालक्ष्मी है। ये बहुत पूछा जाता है कि कॉटन की इंटर स्पेसिफिक और वैरायटी कौन सी है, तो वारालक्ष्मी। ठीक है, वन सीड ऑफ कॉटन हैज, अगर एक सीड कॉटन का है तो उसमें कितने फाइबर्स होते हैं? तो 60,000 से 80,000 फाइबर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कॉटन में आपने पढ़ा होगा गिनिंग परसेंटेज, तो वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100। तो दोस्तों एक होता है कि कॉटन सीड और सीड कॉटन, इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। कॉटन जो होता है, सीड जो बचता है रिमूविंग लिंट को रिमूव करने के बाद जो सीड बचता है उसे कॉटन सीड कॉटन कहते हैं, और कॉटन सीड होता है दोनों को मिला के। तो आगे बढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ लोअर लीव्स विच कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद द सॉयल एंड लूज देयर कमर्शियल वैल्यू इज नोन एज प्राइमिंग प्रोसेस, ये किसमें की जाती है? टोबैको में। अच्छा, इसका मतलब है कि नीचे की पत्तियां जो मिट्टी के संपर्क में आ जाती हैं उसे हम पौधों से हटा देते हैं, उसको प्राइमिंग प्रोसेस कहते हैं। लेकिन एक टोबैको में होती है, और जो नीचे की पत्तियां जो मिट्टी से टप अटैच हो जाती हैं उसको सैंड लीफ भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमिंग मेथड इज यूज्ड इन सिगरेट एंड वेपर टोबैको, तो सिगरेट टोबैको जो होती है और वेपर टोबैको जो होती है उसमें प्राइमिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन एम्स ऑफ टॉपिंग एंड डिसकरिंग इज, तो टपिंग जो होती है और डिसकरिंग किस में की जाती है? ज़्यादातर टोबैको में की जाती है। और तो इसको क्या करते हैं टपिंग का, यानी उसके जो बगल से या उसके एक पौधे के नीचे से जो रूट राइजोम निकलती है यानी दूसरे पौधे निकलते हैं उसको हटाते रहना चाहिए हमें। ठीक, टोबैको का यानी एक सिंगल पौधा ही छोड़ना चाहिए। जैसे केले में हम बनाना में जो नीचे से स्वाद शक्कर निकलती रहती है उसको हम काटते रहते हैं, क्योंकि वो जब निकलेगा तो दूसरा पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसका क्या होता है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। द मेन एम आर्म्स ऑफ टपिंग एंड डिसकरिंग इज टू डाइवर्ट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट फ्रॉम फ्लावर टू लीव्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ द लेटरल ब्रांचेस आर सकर्स आर एक्जिलरी बड इज कॉल्ड डिसकरिंग, यानी नीचे की ब्रांचेज जब हटाएंगे या सकर हटाएंगे तो डिसकरिंग कहलाता है। टपिंग जो होते हैं ऊपर का पत्तियां जो हटाते हैं तो उसे टपिंग होती है। ठीक है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट सेंट्रल टोबैको CTRI, तो राजामुंद्री में है आंध्र प्रदेश में। चलिए, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमंग द फूड ग्रेन इज पल्सेस, तो सभी फूड ग्रेन में सबसे रिचेस्ट कौन सा होता है सोर्स? तो पल्स होती है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो कानपुर। ठीक, IIPR इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर UP। विच पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर, तो कौन सा पल्स क्रॉप, ज़्यादातर पल्स क्रॉप होती हैं वो एटमोसफियर से नाइट्रोजन फिक्स करती हैं किसके, ग्रेनुल रूट ग्रेनुल्स के दो में। तो कौन सा क्रॉप है जो उन फिक्स नहीं करता? राजमा जो होता है वो नहीं करता। द वर्ड पल्सेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो पल्स है उसकी से ड्राइव्ड किया गया है फ्रेंच वर्ड पोटेज आर पराइटेज मीन्स सूप आर दाल। द टर्म लेग्यूम इज टेकन फ्रॉम, लेग्यूम कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड मीन्स टू कलेक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो ग्राम यानी चिकपी चना, ग्राम चिकपी। द श्योर टेस्ट ऑफ ग्राम लीफ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आपने चने की पत्ती खाई होगी तो थोड़ी अम्लीय से स्वाद आएगी, उसके इसके कारण होती है माइलिक एसिड के द्वारा। कितने परसेंट है? 60% है ऑक्जैलिक एसिड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग परसेंट ऑफ पी इज 49%। हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ रेड ग्राम यानी अरहर, तो किजनस के जान होता है 19% हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक, हार्वेस्ट इंडेक्स किन ने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ अरहर इज फ्रॉम अफ्रीका, और अरहर भी अफ्रीका से, ज्वार भी अफ्रीका से और बाजरा भी अफ्रीका से है उत्पत्ति स्थान, ज्वार बाजरा अरहर। क्वीन ऑफ सीरियल्स इज कॉल्ड मेज, ठीक, क्वीन ऑफ सीरियल्स मेज।
सीरियल्स यानी अनाज वाली फसलें। द कंपोजिट कल्टीवार्स ऑफ मेज आर कंपोजिट, तो किसान, जवाहर, अंबर, विजय, सोना, विक्रम। मेज इज अ किस तरह का प्लांट है, C4 प्लांट है। बीट राइस क्या है, C3 प्लांट है। इन इंडिया द रैंक फर्स्ट स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मेज इज UP। ठीक, तो इंडिया में कह रहा है, तो ये क्या होता है कि डेटा थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। ठीक, तो अभी का डेटा है, अब आगे चल के चेंज भी हो सकता है। द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। ठीक, द इनफ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज कॉल्ड टेसल। इनफ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज कॉल्ड मेल फ्लावर को टेसल, इनको चलिए ठीक हम बता देते हैं, ये करें पुष्पकर्म के मेज को क्या कहते हैं, टेसल। तो जो मेल होता है उसको टेसल, जो फीमेल पार्ट होता है वो सिल्क होता है। मेज पे आप देखा होगा मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं एक ही पौधा पे, तो मेल को टेसल और फीमेल को सिल्क, और मेल फ्लावर के टेसल को तोड़ने की क्रिया को डी टेसलिंग कहलाती है। ठीक, द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन इन मेज इज, तो टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज। ठीक, क्रिटिकल स्टेज होता है टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज। तो दोस्तों क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन और लिख मतलब आज सॉल्व कराते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट शेयर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज टू मिरेकल मेज, मिरेकल मेज को, तो डॉक्टर सुंदर के बसल, SK बसल ने, तो इस पर मिरेकल मेज पे किया था। तो वर्जिन ऑफ मेज फ्रॉम मैक्सिको, तो मेज का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ऑल इंडिया कंट्रीब्यूटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1957 एट न्यू दिल्ली। ठीक, तो मेज पे सबसे रिसर्च प्रोग्राम जो स्टार्ट होता 1957 में। डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड बाई डीएफ जॉनसन 1920 में। सिंगल क्रॉस ईएम ईस्ट एंड जीएस सल, सिंगल क्रॉस ईएम ईस्ट एंड जीएस सल 1910, डबल डीएफ जॉन, सिंगल ईएम ईस्ट एंड सल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि शुगर केन हम हार्वेस्ट कर लें, क्या इसे हमें पता लगता है, तो वेदरिंग ऑफ लोअर लीफ्स। ठीक, वेदरिंग ऑफ लोअर लीफ्स, लोअर लीफ का पक्के तैयार हो जाना, सूख जाना, और जिसमें हम ब्रिक्स रीडिंग कितनी होनी चाहिए 20%, सुक्रोज कितनी होनी चाहिए 15%। ठीक, तो हम सोचते हैं हमारी मेज परपक्व हो गया है, यानी नहीं मेज नहीं शुगर केन। अलगेन प्लांटिंग मेथड ऑफ शुगर केन इज डेवलप्ड बाय अलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, अलाहाबाद UP। चलिए आगे बढ़ते, अधसाली शुगर केन इज कॉमन इन महाराष्ट्र, अधसाली शुगर केन। तो दोस्तों अधसाली नाम सुनते ही आप ये अनुमान मत लगा लेना कि 6 महीना, यानी अधसाली शुगर केन की बुआई ज़्यादातर हम करते हैं गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल में। ठीक, तो अधसाली इसको इसलिए बोलते हैं अप्रैल में बुआई करते हैं। इसकी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अधसाली शुगर केन का क्रॉप ड्यूरेशन कितना होता है, तो 18 मंथ होता है, 18 मंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। चलिए, शुगर केन इज प्लांटेड इन फर्रो बिकॉज इट रिड्यूस लॉजिंग, फर्रो में इसलिए हम बुआई करते हैं क्योंकि गिरने से इसको बचाया जा सके, रिड्यूस लॉजिंग। इन फ्लोरोसेंस ऑफ शुगर केन इज जनरली कॉल्ड एरो और ओपन पेनिकल। ठीक, एरो या ओपन पेनिकल। सुक्रोज कंटेंट इन केन, सुक्रोज कंटेंट इन केन, गन्ने में सुक्रोज क्या होती है, 13-14% होती है। शुगर फ्रॉम जूस, जो शुगर केन का जूस होता है उसमें कितना शुगर होता है, तो 6-10% होता है। ठीक, हैंड रिफेक्टोमीटर रीडिंग फॉर शुगर केन मैच्योरिटी इज 20, यानी शुगर केन की मैच्योरिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हैंड रिफेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक, हैंड रिफेक्टोमीटर के द्वारा शुगर केन की मैच्योरिटी जज की जाती है। ठीक, चलिए, कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट कोयम्बटूर, तो सी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिख उठा है, कोयम्बटूर, SBI, शुगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मत समझ लेना कहीं लिख के आ जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं, तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। अधसाली शुगर केन क्रॉप मैच्योर इन, तो देखिए जो दोस्तों ऊपर हम बताए थे नीचे मिल गया 18 मंथ। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज योंग लॉन्ग पिन, पिंग होता है पिन नहीं, योंग लॉन्ग पिन, जो अभी कोरोना काल में भगवान को प्यारे हो गए हैं, और इन्होंने हाइब्रिड राइस के बारे में क्रांति लाई थी धान के क्षेत्रों में, हाइब्रिड राइस डेवलप करके।
इंडियाज फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी रिलीज्ड ड्यूरिंग 1960 एज वाज जया। ठीक, जया किसकी वैरायटी है? राइस की। वर्ड मिरिकल राइस बोलते हैं जिसे, मिरिकल राइस जया। वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ बासमती राइस वैरायटी इज पूसा बासमती वन, पीबी वन। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी ऑफ फार सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल तो लूनीसीरी राइस की एक वैरायटी है धान की, लूनीसीरी जो अल्कली और क्षारीय सॉइल के लिए अच्छी मानी जाती है और अच्छी प्रोडक्शन देती है। हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी इज डन एट मॉइस्चर कंटेंट, जो धान की हम हार्वेस्टिंग कब करते हैं जब उसके दानों में नमी 21-23% हो, लेकिन 21-23% पे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टोरेज के समय क्या नमी होनी चाहिए? 12-13% या 14% जब नमी हो तब धान के सीड को हम स्टोर करते हैं, नहीं तो उसमें स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ज़्यादा लग जाते हैं। फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस इज जगन्नाथ, म्यूटेंट वैरायटी जो थी जगन्नाथ। ठीक, बीच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम फील्ड ऑफ पैडी, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैडी से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन CH4। ठीक, SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक्स वाज ओरिजिनेटेड इन मेडागास्कर अफ्रीका, मेडागास्कर है अफ्रीका में, इन 1987 बाई प्रोफेसर हेनरी डी लाइलुन। तो SRI सिस्टम किसने दिया था? हेनरी डी लाइलुनिन ने। SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये एक राइस नर्सरी का मेथड है। कितने दिन पुरानी नर्सरी यूज करते हैं SRI में? तो 11 दिन की नर्सरी यूज करते हैं। कितना सीड रेट लगता है SRI सिस्टम में? 5-8 किलोग्राम। ठीक, फर्स्ट सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड राइस इज पूसा RH10। ठीक, ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम तो 1990-91। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वाज इस्टेब्लिश्ड 1986। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट वाज इस्टेब्लिशमेंट एट जूनागढ़ गुजरात। ठीक, ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है तो नेशनल रिसर्च सेंटर भी वहीं है। इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 जब देश आज़ाद हो रहा था तब। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1967। मेन अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड तो अर्जीमोन मैक्सिकाना ऑयल, तो दोस्तों अर्जीमोन मैक्सिकाना जो होता है वो मस्टर्ड से मैचिंग करता है और उसके सीड जब हमारे सरसों के सीड में मिल जाते हैं और जब हम तेल निकालते हैं तो उसकी तेल मस्टर्ड के ऑयल में मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत घातक होता है, जो कि ड्रॉपसिस डिजीज कॉज करता है, जलोदर। मस्टर्ड फ्रूट इन नोन एज सिलिकुआ, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे अच्छे जैसे आपका GRF हो गया, NET हो गया, इन सब एग्जामों में आया है, तो सिलिकुआ बोलते हैं मस्टर्ड के सीड को। पजेंसी ऑफ मस्टर्ड इज डन टू तो आइसोथायोसाइनेट, जो आप मस्टर्ड के तेल को आप देखे होगा कि आप कढ़ाई में डालते हैं तो उससे जब हीट होने लगती तो आँखों में लगती बहुत तेज है, तो किसके कारण होती है? आइसोथायोसाइनेट। नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन मार्च तो 1963। नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC कब? 1963। नेशनल सीड एक्ट तो 1966 और कॉरपोरेशन NSC तो 63। टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर बाइबिलिटी एंड बिग्योर। ठीक, टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बाइबिलिटी एंड बिग्योर टेस्ट करने के लिए। द इंडियन सीड एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, सीड एक्ट कब आया था फोर्स में? 2 अक्टूबर 1969। NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग इन कब किया था? जुलाई 1963 में। तो दोस्तों आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज के लिए यहीं से, कल अगले वीडियो में यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।